सब्सक्राइब करने के लिए आप मेन स्क्रीन पर सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ये टोटली फ्री है, इससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिल पाएंगे। हाय फ्रेंड्स, दिस इज सोनम गर्ग, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं ब्राउनी, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती हैं। ये केक की जैसी होती है, पर इनमें चॉकलेट कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो मैंने यहाँ पे फज और केक की ब्राउनीज़ के बीच की लगभग ब्राउनी बनाई है, तो आप इसे देखें। तो इसके सबसे पहले हमने एक बोल लिया है, जिसमें हमने आधा पानी भर दिया है, और इसे हम अब लो फ्लेम पर रखेंगे। और इसके ऊपर अब एक ग्लास कंटेनर रखेंगे। ध्यान रहे, ये कंटेनर का बेस आपके पानी से टच नहीं होना चाहिए, और ना ही पानी की स्टीम इसमें डायरेक्टली आना चाहिए, नहीं तो इसमें चॉकलेट बहुत हार्ड हो जाएगी। तो इसको डबल बॉयलर सिस्टम देते हैं। 1/4 कप बटर मैंने इसमें डाला है, ये अनसॉल्टेड बटर है, इसे अच्छे से गर्म होने दें। और जब ये पूरी तरीके से पिघल जाए, तो इसके अंदर 1/4 कप डार्क चॉकलेट डाल दीजिए चॉप करके। तो इस तरीके से हम इसे बॉईल होने देंगे लो फ्लेम पर। इसे लो फ्लेम पर ही करें, नहीं तो चॉकलेट बर्न होने के चांसेस रहते हैं। तो इसे अब चला लेंगे कुछ लगभग 6 से 7 मिनट के अंदर। ये दोनों चीज़ें परफेक्टली आपस में मिल जाएंगी। तो देखिए, हमें एक बहुत अच्छा चॉकलेट का पेस्ट मिल जाएगा, और ये ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी का होगा। अब हम इसे स्विच ऑफ करके फ्लेम को अलग रख देंगे। अब लिक्विड चॉकलेट को हमने एक बोल में डाला है, और छन्नी की सहायता से सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम एक साथ इसमें छानेंगे। तो आधा कप पाउडर शुगर यानी पीसी हुई चीनी हमने इसमें डाली है, और उसके बाद अब आधा कप मैदा हमने इसमें डाला है, साथ ही आधा टेबलस्पून कोको पाउडर। और अब हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून, और साथ में 2 पिंच ऐड और कर दीजिए बेकिंग पाउडर, साथ ही 1/8 टीस्पून बेकिंग सोडा। ये पूरा मैंने एक साथ ही इसमें डाला है। तो इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। और ध्यान रखें, जब भी आप कोई चीज़ यूज़ करें, तो हमेशा ब्रिम से अपनी हाथों की सहायता से उसे फ्लैट करके फिर ही नाप इसमें डालें। तो इसे हम हाथ से अच्छे से छान लेंगे। अब इसमें डालेंगे 1/4 कप दही, ये गाढ़ा दही है, और 1/4 टीस्पून वनीला एसेंस। अब इन्हें अच्छे से मिला लेंगे। आप किसी भी बीटर की हेल्प से या स्पून की हेल्प से इसे अच्छे से मिला सकते हैं। तो देखिए, बहुत थिक कंसिस्टेंसी का पेस्ट हमें मिलता है कुछ इस तरीके से। तो ये पैचेस में ही नीचे गिरता है, मतलब ये परफेक्ट है। अब इसे बेक करने के लिए हम घर का सेटअप यूज़ करेंगे, जिसमें कढ़ाई लेंगे, इसे हाई फ्लेम पर रखकर इसमें आधा कप नमक डालकर स्प्रेड करेंगे। नमक इसके अंदर के टेम्परेचर को इवन रखेगा। तो इसके अंदर अब एक बार स्टैंड रखेंगे, और अब इसे किसी भी प्लेट से आप कवर कर 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर प्रीहीट करें। अब एक 7 इंच का हमने केक टिन लिया है, जिसके अंदर बटर पेपर लगाया है, और इसके ऊपर ऑयल से इसे ग्रीस कर दिया है। अब हम इसके अंदर हमारा बैटर डाल देंगे। याद रखें, जब भी बैटर बनाएं, तो बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर डालने के बाद इसे बाहर ज़्यादा देर तक मत रखें, और विग्रसली बहुत ज़्यादा भी इसे मिक्स मत करिए। हल्का सा मिक्स कर इसके अंदर पोर कर दीजिए। बैटर को लेवल कर लें, और अब 5 मिनट के बाद जब ये प्री हीट हो जाए, तो इसे अनकवर कर केक टिन को उसमें रखें, और फिर से कवर कर दें। 30 से 35 मिनट के लिए इसे मीडियम फ्लेम पर गर्म रखें। और अगर आपको लगता है कि इसमें से गैस लीक हो रही है, तो आप एक हैवी ऑब्जेक्ट ऊपर रख सकते हैं, ये ज़रूरी है। और इसके बाद देखिए, अब 30 मिनट के बाद हम इसे अनकवर करके देख रहे हैं, तो केक अच्छे से अपनी एजेस से सेपरेट हो चुका है। और अब एक टूथपिक डालकर हम देखते हैं, तो एकदम क्लियर आ रही है, मतलब हमारा ब्राउनी अच्छे से बेक हो चुका है, तो एकदम परफेक्ट है। अब फ्रेंड्स, हम इसे बाहर निकालेंगे, और ठंडा होने के बाद इसके एजेस को और सेपरेट करेंगे। तो आप जब भी स्टैंड लें किसी कढ़ाई में, तो उसे लोअर हाइट का ही लें। ब्राउनीज अगर ठंडा होने के बाद थोड़ी कड़क हो जाए, क्योंकि इनमें चॉकलेट होता है, तो आप इसे गर्म पानी के ऊपर बिना बेस को टच किए हुए केक टिन को 15 मिनट के लिए लगभग रख दें। तो देखिए, ये ब्राउनी हमारी परफेक्ट बन चुकी है। इसे हम अच्छे से कट कर लेंगे। आप देख सकते हैं, ये इसके ऊपर की लेयर कितनी क्रिस्प बनी है, और लेयर्स की तरह अलग अलग सेपरेट हो रही हैं। तो अब मैं एक पीस आपको उठा के दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं, ये कितनी अच्छे से कुक हो चुकी हैं, और काफ़ी सॉफ्ट और काफ़ी अच्छी बनी है। तो देखिए, एक पीस मैंने आपको कट करके दिखाया है। अब इसे हम प्लेट करते हैं। तो इसे आइसक्रीम के साथ जनरली सर्व किया जाता है, तो इसके लिए मैंने 2 ब्राउनी के पीसेस रखे हैं, और उसके ऊपर वेनिला आइसक्रीम को रखा है। चाहे तो आप इसे चॉकलेट सॉस से अच्छे से गार्निश कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, देखिए, तैयार है हमारी डिलीशियस पुडिंग ब्राउनी, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, और एक बार आप इसे खाएँगे तो ज़रूर बार बार खाना चाहेंगे। फ्रेंड्स, होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर ऐसा है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने कमेंट्स हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक